तो है गाइस वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो, आ चुका है और एक न्यू वीडियो के साथ। जैसा गाइस आज जाने वाले हम भंडारी जी से मिलने, तो देखते हैं भंडारी जी हमसे मिलते हैं या नहीं, जो कि यहाँ के देहरादून के साइकिलिस्ट राइडर हैं। तो चलिए उनकी दुकान पे चल के आपसे मिलते हैं। तो है गाइस फाइनली हम बल्ली वाले से निकलते हुए और हमारे सामने है जस्ट बल्लूपुर। तो देखते हैं कितना टाइम लगता है जाने में। फाइनली गाइस हम वहां पर आ चुके हैं जहां पर हमने न्यू साइकिल ली थी अपनी, ये वाली। तो दिखाते हैं आपको दुकान कि कौन सी है जिससे, जहां से हमने परचेज की थी ये वाली साइकिल, शैडो फॉक्स MTB। तो जैसा गाइस ये चौक है, बस चौक से बगल ही में एक दुकान है। और क्या चाल भैया? नंबर नहीं डाला, जो तुम्हारी वीडियो एक बनाऊंगा बढ़िया वाली। तो हे गाइस फाइनली हम घंटाघर पर पहुंचते हुए, ये है हमारा देहरादून का घंटाघर। तो सीधा चलते हैं भंडारी जी की शॉप पर, ज्योति की देखते हैं कितना टाइम लगता है यहाँ से जाने में। तो जैसा कि दोस्तों अभी यहाँ से 10 किलोमीटर है पूरा, तो देखते हैं कितने मिनट में हम कवर करते हैं 10 किलोमीटर और फाइनली पहुँचते हैं भंडारी जी की दुकान पे। तो देखते हैं भंडारी जी मिलते हैं हमें या नहीं, वो तो वहीं जाके पता लगेगा। तो वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए, बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो हे गाइस यहाँ का आप व्यू चेक कर सकते हो, कितना बढ़िया है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। क्योंकि अभी कुछ समय पहले बारिश हुई थी, इसलिए मौसम बिल्कुल क्लियर है। हे गाइस फाइनली हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं, जो कि हमने 15 किलोमीटर राइड करी और फाइनली ये दुकान बंद है, जो कि आज संडे शायद से इसलिए बंद होगी या तो फिर आज मौसम ख़राब था इसलिए बंद होगी। तो किसी दिन और आते हैं और आपको भंडारी से ज़रूर मिलाएंगे। और फाइनली अभी देख सकते हैं आप, एक भी दुकान ओपन नहीं है इनकी। तो चलो किसी दिन आएंगे और आपको यहाँ का सारी वीडियो कम्प्लीट देंगे। तो हे गाइस इस ब्लॉग पे यहीं पर एंड करते हैं और जल्दी मिलते हैं सेकंड ब्लॉग के साथ। तो इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं और लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जरूर जाना आशीष MTV ब्लॉग को। मिलते हैं आने वाले अगले ब्लॉग में। गुड बाय।